नमस्कार। देशात नावाजल्या जाणारा नवी मुंबई स्पोर्ट्स क्लबचा मेंबरशिपचा घोटाळा समोर आला आहे। या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्याकडून करण्यात आली। सिडको के एम्प्लॉईज को ये लोग डिस्काउंटेड रेट में, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में, यानी कि लाइफ मेंबरशिप के लिए 50,000 रुपए और जनरल मेंबरशिप के लिए 25,000 रुपए, ये रेट में उनको मेंबरशिप दे रहे। और जो करंट क्लब के रेट्स है वो लाइफ मेंबरशिप के लिए 20 लाख रुपए और जनरल मेंबरशिप के लिए 5 लाख रुपए। तो जो इतने हाई रेट्स है वो साइड में रखते हुए ये सिडको को फेवर किया है क्लब ने। हमारे बायलॉज में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना ही इसका एजीएम में अप्रूवल है कि उन लोग को कंसेशनल रेट पे मेंबरशिप दी जाए। इससे क्लब को अगर आप फिगर वर्कआउट करते हैं तो 12.5 करोड़ का घाटा है, और मैं वो पूरा वर्किंग किया है, इनको दिखा भी सकता हूँ, और वो प्रेस नोट में मैंने मेंशन भी किया है, 12.125 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है। नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशन सध्या नव्याने दिल्या जाणाऱ्या मेंबरशिपवरून चांगलेच वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे। या संदर्भात जुन्या सदस्यांनी निषेध व्यक्त केला आहे, तसेच या प्रकाराविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही क्लबच्या सदस्यांमार्फत करण्यात येतोय। नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशनचे सदस्य होण्यासाठी नवी मुंबईकरांना लाईफ टाईम मेंबरशिप करता 20 लाख रुपये तर जनरल मेंबरशिप करिता 5 लाख रुपये मोजावे लागतात। अशा परिस्थितीत त्याच मेंबरशिप सिडकोच्या काही अधिकाऱ्यांना एनएमएसए क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांना जनरल मेंबरशिप 25,000 तर लाईफ टाईम मेंबरशिप 50,000 रुपयांच्या कवडीमोल दरात दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे। क्या है की अभी लेटेस्ट जो हम लोग को खबर मिली है, ये सिडको के एम्प्लॉईज को ये लोग डिस्काउंटेड रेट में, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में, यानी कि लाइफ मेंबरशिप के लिए 50,000 रुपए और जनरल मेंबरशिप के लिए 25,000 रुपए, ये रेट में उनको मेंबरशिप दे रहे, और ये मेंबरशिप जो लाइफ टाइम के लिए दे रहे। और जो करंट क्लब के रेट्स है वो लाइफ मेंबरशिप के लिए 20 लाख रुपए और जनरल मेंबरशिप के लिए 5 लाख रुपए। तो जो इतने हाई रेट्स है वो साइड में रखते हुए ये सिडको को फेवर किया है क्लब ने। हमारे बायलॉज में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना ही इसका एजीएम में अप्रूवल है कि इन लोग को कंसेशनल रेट पे मेंबरशिप दी जाए। इससे क्लब को अगर आप फिगर वर्कआउट करते हैं तो 12.5 करोड़ का घाटा है, और मैं वो पूरा वर्किंग किया है, इनको दिखा भी सकता हूँ, और वो प्रेस नोट में मैंने मेंशन भी किया है, 12.125 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है। या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन या क्लबच्या जुन्या सदस्यांनी या प्रकाराबाबत आपला निषेध व्यक्त केला आहे। एनएमएसए क्लब हे आपल्या मेंबर्स कडून मेंटेनन्स रूपात काही रक्कम घेत असते, त्यात एवढ्या स्वरूपात मेंबरशिप कशी काय देऊ केली, तसेच या प्रकारामुळे समोर 12 कोटी रुपयांचे नुकसान क्लबला होणार असल्याचे आरोप क्लबच्या काही सदस्यांनी लावला आहे। तसेच या प्रकाराविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही क्लबच्या सदस्यांमार्फत करण्यात येतोय। हम लोग अभी स्लोली स्लोली हम लोग अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं। आज हम लोग ने मेंबर्स लोग की मीटिंग ली, काफी मेंबर्स आए थे जो इनएक्टिव भी रहे हैं, तो उन लोग ने भी इसमें अपना ये जोश दिखाया, और बहुत लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है इन टर्म्स ऑफ फंड्स फॉर दिस लीगल फाइट। और अगर चैरिटी कमिश्नर एक्शन नहीं लेते हैं और हम लोग को अपना मतलब मुख्यमंत्री जी को जो लेटर लिखा है उसमें अगर कोई एक्शन नहीं दिखता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। वो हम लोग का पूरा प्रिपरेशन है, क्योंकि अभी पीछे हटना ही नहीं है, ये क्लब का डेवलपमेंट जरूरी है, मेंबर लोग का पहले डेवलपमेंट जरूरी है, मनमानी अभी नहीं चलेगी। यहाँ पे आज सिडको आ रही है, सिडको ने अब इट इज गवर्न बाय एनएनएमसी, कल एनएनएमसी वाले आ जाएंगे कि हमको मेंबरशिप चाहिए, कल जैसे पहले कहा पुलिस डिपार्टमेंट आ जाएगा, कल बीआरसी वाले आ जाएंगे, सभी गवर्नमेंट मेंबर्स है, हर एक को देंगे, तो नॉर्मल जो कॉमन मैन है वो कहाँ जाएगा। तो आई थिंक दिस क्लब शुड केटर टू कॉमन मैन, देन गिविंग स्पेसिफिक फैसिलिटीज टू कॉरपोरेशन वेयर दे आर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ, एंड एज सेड अर्लियर आई थिंक देर मस्ट बी सम गिव एंड टेक पॉलिसी, बिकॉज ऑफ विच इतने साल से ये नहीं चला कि सिडको को मेंबरशिप नहीं चाहिए थी, आज अचानक व्हाट इज द नीड दैट दे नीड कंसेशनल रेट मेंबरशिप। कॉप्टेड मेंबर्स उनके हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, लेट अस स्टिक टू द पॉलिसी व्हाट आर गिवन इन द मेमोरेंडम। मैंने अपना जो स्थानीय आमदार है मंदा ताई के मेंबरशिप के लिए इंक्वायरी किया, उन्होंने बोला ये फॉर्म लीजिए और 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो अभी हमें जो ये मालूम पड़ा कि सिडको के एम्प्लॉयज को 25,000 और 50,000, तो ये क्या बात है, इसलिए
अपनी जो स्थानीय आमदार है वो भी आवाज़ उठाने वाले हैं, वो भी सीएम के पास और मंत्रालय में इसे लेके जाने वाले हैं, चैरिटी कमिश्नर के पास भी हम लोग पार्टी के थ्रू ये प्रॉब्लम और जो भी अभी संघर्ष समिति बना है इनको पूरा सपोर्ट हमारे तरफ से मंदा ताई के तरफ से मिलने वाला है। एनएमएसए क्लबच्या या भोंगळ कारभारा विरोधात याची चौकशीची मागणी करणार असल्याचं मत आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी व्यक्त केले। त्याचबरोबर सिडको अधिकाऱ्यांना एवढा स्वस्त दरात मेंबरशिप मिळू शकते तर नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना स्वस्त दरात मेंबरशिप का नाही असाही प्रश्न आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे। आजच्या बातमीपत्रात इतकंच, पुन्हा भेटू, पाहत रहा एमव्ही टीव्ही।